आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। रुड़की में कांवड़ियों का तांडव, ई रिक्शा और ट्रक में की तोड़फोड़। हरिद्वार के रुड़की में कांवड़ियों का तांडव देखने को मिला है, जहां कांवड़ियों ने एक ई रिक्शा चालक की जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, ई रिक्शा में भी जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान पुलिसकर्मी भी कांवड़ियों को समझाते रहे, लेकिन उन्होंने पुलिसकर्मियों की एक ना सुनी और लगातार ई रिक्शा में तोड़फोड़ करते रहे। वहीं घायल ई रिक्शा चालक को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक घटना मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के लिप्परहेड़ी नहर पटरी की है। बताया जा रहा है कि एक ई रिक्शा चालक अपनी रिक्शा लेकर आ रहा था, इस दौरान ई रिक्शा किसी कांवड़िए से टकरा गई। टक्कर लगने से कांवड़िए को हल्की चोटें आई, जिसके बाद कांवड़ियों ने पहले ई रिक्शा चालक के साथ जमकर मारपीट की, फिर ई रिक्शा पर लाठी डंडे बरसा कर तोड़फोड़ कर दी। इस दौरान मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मियों के सामने भी कांवड़ियों ने तोड़फोड़ जारी रखी। हालांकि लाचार पुलिसकर्मियों ने कांवड़ियों को रोकने का काफी प्रयास किया, लेकिन उन्होंने पुलिस की एक ना सुनी। आलम ये रहा कि गुस्साए कांवड़िए रोकने से भी नहीं रुके। उधर घायल कांवड़ियों और घायल ई रिक्शा चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।